इनका मैंने तो दे दिया आपको। बिल्कुल बिल्कुल आपको दे दिया, लेकिन हमने भी तो अपनी रेंज के मुताबिक से भी बढ़ के लगा दिया ना आपास भाई। फाइनल भाई बता दिया है, मेरी फाइनल चौथा चक्कर ही है हमारा, दोबारा आए हम आपके पास। पे लगता है, ऐसा लग रहा है कि नॉर्दर्न बाईपास मंडी पे रिक्शे भी चलने लग गए, तो यहाँ ये बता रहा है गाय मंडी D1 चिंची रिक्शा भी जा रहा है भाई। दीवाने ने अभी तक इसका व्लॉग नहीं बनाया लगता है। हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी काशान एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो गाइस दोबारा से हम आ चुके हैं जमील मेमन सोसाइटी और आपको दिखाने वाले हैं बहुत सारे जानवर दोबारा से। और आपको मालूम है जैसा कि तीन से चार हफ्तों से हम लोग जो है घूमे जा रहे हैं, मगर हमें गाय नहीं मिलके दे रही है। सो आज जो है हम जाके देखेंगे दोबारा से कि जिस गाय का हम सौदा कर रहे थे, दोबारा से देखते हैं कि हो सकता है अगर वो हमारे नसीब में हुई तो आज हमें मिल जाएगी। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट कर लें और वीडियो को चलें स्टार्ट कर दें। यार प्यार तो करने दे, तू माता माना इतना खूबसूरत है, मगर ऐसे तो ना कर यार। यार डरा रहा है बड़ा, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा हैवी है ये। और फर्स्ट में पहले में ही आते ही दिखा है हम लोग को ये पहला बछड़ा, और ब्राह्मण जैसा है और बहुत खूबसूरत है, मगर नखरा इसका इतना है कि प्यार ही नहीं करवा रहा। बहुत छोटी है यार, बहुत खूबसूरत। अबे ये भी अबे ये कहाँ से आ गया, यहाँ से जानवर भी मार रहे पिता, छोटे छोटे भी मार रहे। ये अरीब में नहीं मिल रहा, अबे ये अरीब आ जाओ यार, आ जाओ आपकी रिश्तेदारी है। देखो आने तो तुम आओ इधर आओ, ये देखो किसमें मिल रहा है, बताओ जल्दी आओ, ये बताओ किसमें मिल रहा है। अब वो नहीं तीरुपन पिल्ले की जो इसका मुंह देखा होगा, मजाक से अभी देख हाइट में हुई वो छोटी सी जो है, क्या नाम है उसका, हाँ सनोवर सनोवर। अरे ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही कि ये 3-2-1 पिल्ले में जो सनोवर छोटी है उसमें मिल रही है, बिल्कुल उतनी छोटी हाइट की है। वाह यार बड़े खूबसूरत खूबसूरत छोटे छोटे जानवर हैं माशाल्लाह, लेकर आए हो बहुत प्यारी है। हाँ ये वाइट वाला अच्छा लग रहा है ना, पता करो इसके रेट क्या है, बहुत खूबसूरत है। हाँ पिंक यार, हाँ भाई 16 लाख रुपए मांग रहा है और बछड़ा तो बहुत खूबसूरत है। हाँ फिदा कितने तक में होना चाहिए फिदा, आइडिया छुप हो जाओ अभी तो रुक जाओ, नहीं नहीं इतने का तो नहीं है, खैर कम का है। हाँ सर खूबसूरती में देखा जाए ना तो फिदा भाई की बात गलत है, खूबसूरत बहुत है माशाल्लाह से, खूबसूरत बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, मेरे ऊपर गया इशारा। वजन में इतना नहीं है, हाँ वजन में इतना नहीं है मगर खूबसूरती में बहुत है। बस बस यहाँ रुको, बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। बछड़ा बहुत खूबसूरत है मगर आप मांग ज्यादा रहे हैं, कितने ज्यादा मांग रहे हैं नहीं आप बताओ ना आपका क्या हुआ है, और तो सही क्या बात है, मतलब डबल पैसे बोल रहे हैं आप, तो डबल सूरत है आप बता दें आपको क्या माइंड है। 12 लाख कितना लगाया फिदा या मैंने तो 6.5 लगाए, हाँ भाई ने खैर 16 बोले हुए थे, 12 बोल रहे ज्यादा है फिदा, मतलब 12 की तो चीज नहीं है यार, लेकिन ये है कि खूबसूरती में बहुत है। तुम कितने में लेना चाहते हो, 7-7.5 तक तो होगा। हाँ हाँ अच्छा हाँ अरे मैं तो यहाँ पे देख के आया हूँ, एक बछड़ा में देख के आया हूँ, कैसा है
फिदा के मतलब का फिदा के मतलब का कैसे मतलब इनको थोड़ा मतलब बड़ा बा ऊंचा और थोड़ा मतलब अच्छा तुम्हारे जैसा मैं चारों इसी को ही जिबा कर दूं इतनी महंगाई हो गई अब चाबी तू क्या देख रहा है भाई क्या ढूंढ रहा है उसके चारे में चारा खाना है क्या तार खा रहा है आई एम सॉरी बाबू कौन है ये लोग कहाँ से आते तार खा रहा है उठा के दिखा दो इसको उठाओ गोद में उठाओ क्या हुआ डर गए नहीं जान बोध है इसमें सिंह से क्यों पकड़ी है अरे लग रहा है छोटा सा लेकिन जान बोध है इसमें सिंह से क्यों पकड़ा ऐसी गोद से उठाओ मारेगा चला जा सो गाइस फाइनली हम लोग आज गए हैं उसी जगह पे जहाँ से हम लोग 2023 फर्स्ट टाइम आए थे ना मारखोर कैटल फार्म पे हम दोबारा वहाँ आ चुके क्या बोलते फिदा और यहाँ आके लिटरली मैं आपको एक बात बताऊँ हम लोगों ने सोचा कि हमें यहाँ पे एक बछड़ा पसंद आया और इस बार तो पहले से ज्यादा अच्छे आइटम थे हाँ और हम लोगों को एक बछड़ा पसंद आया हमने सोचा अभी तो काफी दिन बाकी हैं बहुत ज्यादा पैसे मांग रहे हैं चलो छोड़ो बाद में टच करेंगे और हम लगातार 3-4 हफ्ते से यहाँ पर आ रहे थे मगर जो है बात ही नहीं बन पा रही थी और वो पैसे इतने ज्यादा बोल रहे थे कम ही नहीं कर रहे थे लेकिन एक बछड़ा जो हमारे दिल पे भाया हुआ था वो मैं आपको दिखाता हूँ और वो बछड़ा बस हम सोच रहे थे हमें मिल जाए और फाइनली आज हम उसकी बात डन करके ही जाएंगे क्योंकि हमें गाय मिल नहीं रही है और वो बिक नहीं रहा तो हो सकता है भाई वही हमारे नसीब में और अल्लाह पाक में लिखा हो क्या बोलते हो फिदा हाँ सही बात है तो हो सकता है वो हमारे नसीब में हो तो चलो आज तो जोर लगा देंगे पूरा मगर गाय को लेके ही जाएंगे हाँ जोर ना लगाने वो जो दोनों वाले देखे वो हल्के हैं भारी हैं इससे बहुत हल्के हैं नहीं वो तो हल्के हैं हल्के हैं ये कैसा है मतलब उन पैसों में जो पैसे हम लोग ने लगाए वो जो लास्ट 16 बोल रहे थे वो तो बहुत ही ये तो बहुत ज्यादा अच्छा है उनके कंपेयर के अच्छा है ना ये और खूबसूरती में बताओ बस खूबसूरती में कैसा है नहीं ब्यूटी तो बस इनमें ही खत्म है भाई और मुझमें और इसमें खत्म अच्छा तो गाइज आप देख सकते हैं हमें माशाल्लाह से ये बछड़ा आप यकीन करें हम लोगों को उसी टाइम बहुत पसंद आ गया था जिस टाइम हमने इसको फर्स्ट टाइम देखा था और फिदा ने भी बोला कि अभी तो छोड़ दो अभी तो टाइम है काफ़ी सो गाइज यहाँ पे बछड़ा बना हुआ है अब्बास भाई का इंतज़ार कर करके बहुत मुश्किल से अब्बास भाई आए हैं और हो रहे फिदा बेचारा अब्बास भाई को मनाने के लिए लगा हुआ है क्या हुआ हाँ फिदा मनाया अब्बास भाई को अस्सलाम वालेकुम अब्बास भाई वालेकुम सलाम भाई कैसे हैं आप ठीक हैं तो गाइस ये हैं अब्बास भाई जिनसे चल रहा है सौदा बछड़े का लेकिन अब्बास भाई यार आप देने के मूड में ही नहीं है हाँ फिदा 2-3 हफ्ता है आप आ रहे हैं मैंने आपको दे दिया लेकिन मैंने फाइनल आपको बता दिया वो नहीं यार अब्बास भाई हमने भी तो अपने तौर से पूरे पैसे लगा दिए ना यार अब आपको इतना तो करना चाहिए हाँ फिदा वही ना हम यार तुम लोग का क्या काम है तुम लोग दो अब्बास भाई को नहीं मना पा रहे हो इंशाल्लाह आज हो जाएंगे बात बन जाएगी मैंने आपको पहले दे दिया नहीं देखिए हम 4 हफ्तों से हम आ रहे हैं कशन वही तो मैं कह रहा हूँ हो सकता है हमारे नसीब अब्बास भाई हो सकता है ये हमारे नसीब का ही बछड़ा हो है तुम्हारी नसीब का मैंने तो दे दिया आपको बिल्कुल बिल्कुल आपको दे दिया लेकिन हमने भी तो अपनी रेंज के मुताबिक से भी बढ़ के लगा दिया ना अब्बास भाई फाइनल भाई बता दिया है मेरी फाइनल चौथा चक्कर है ये हमारा दोबारा आए हम आपके पास आपका तो चौथा चक्कर है लेकिन मैंने यार अब्बास भाई बिस्मिल्लाह करो आपको और भी मुनाफा हो जाएगा यार फिर सैफी भाई भी आएंगे लेने के लिए थोड़ा सा ख्याल रखिए कितना हो जाएगा भाई इंशाल्लाह कुछ बस थोड़े से जो है क्या बोलते हैं अब्बास भाई लेकिन बस सिर्फ थोड़ी सी गुंजाइश निकाल लो हम लोग ले जाएंगे बस समझो क्योंकि हम लोग ने बहुत ज्यादा चक्कर घूमे ये समझो कि बस नहीं बन पा रहा सौदा इसको खुलवा के तो मंगवाओ अब्बास भाई जरा सा चला कर दिखाओ इसको माशाल्लाह अब्बास भाई चीज का तो पैसे हैं वो बात आप बिल्कुल सही कह रहे हो लेकिन दे नहीं दो ना यार अब तो बकराईद भी आ गई है वो तो पहले 4 हफ्ते पहले आए थे तो ईद खत्म हुई थी अब तो बकराईद भी आ गई है अब तो बस लेके जाएंगे इसको हाँ
क्या करोगे अपने पास रख के? हम लेके जाएंगे इसकी खिदमत करेंगे, हम भी अच्छे हो जाते हैं कुछ, ये भी थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे। मैं वही तो कह रहा हूँ, लेकिन अब्बास भाई तो कह रहे हैं बस मैंने जो फाइनल करे ना उतने में ही दूंगा। इसी बात में अब मिल जाएगा। अब्बास भाई माशाल्लाह से अल्लाह पाक आपके काम में और बरकत देंगे, बस आप बिस्मिल्लाह कीजिए। ये देखो पूरा आज तो बिल्कुल तैयार होकर भी ये सजा हुआ, मुझे लग रहा है ये आपने हम लोगों के लिए तैयार किया था। हाँ हम लोग आज ये समझे हम आपसे डन करेंगे और फिर जो है अगले हफ्ते हम इसको ले जाएंगे। कुछ हमें भी मौका दीजिए इसकी खिदमत करने का। देंगे यार नहीं कर रहे, फाइनल रेट बता देता हूं कशन, मैंने जो तुम्हें बोले ना वो बता दो इनको बस। नहीं वो मैंने आपको दे दिया। अरे बात तो नहीं, यार अब्बास भाई सही बोले, मशवरा किया है पहले, कर लो बस कर लो। क्या करोगे बछड़े को सजा के लेके जाओगे क्या? ये क्या बात हुई यार, बोल दिया। नहीं यार अब्बास भाई ये हमारा हो गया है तुम्हारा, लेकिन मैंने दे दिया अभी नहीं। चलो मैं फिर मशवरा करके बात करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ, फिर इंशाल्लाह देखते हैं। बस आज हमने इसको लेके ही जाना है। हाँ बस हमने जो अपने पैसे बोले ना उतने में ही लेके जाएंगे। आपको मैंने फाइनल बोल दिया। नहीं यार चलो मैं करते हैं बात करता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि इतना डिफरेंस नहीं है फिदा, मतलब थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है। आप मैं तो कहता हूँ कि जब इतना बढ़ गए तो फिर इस चीज को क्या देख रहे हैं तुम खुद बताओ। रही है वो भी तो कम नहीं कर रहा ना यार, तो इसको बोलो अगर समझ में आ रहा है काशन तुम्हारे को, मैं सही बता रहा हूँ अगर उसको बोलो समझ में। यार समझ तो आ रहा है ना, तभी तो चार हफ्ते से आ रहे हैं ना, पैसे तुम ही बढ़ाए जा रहे हो। तुम्हारी समझिए कि ये लोग लेके ही जाएंगे, उन्होंने भी माइंड एक बना लिया। वो बात बिल्कुल सही है अरिब, लेकिन तुम देखो अब मुझे बताओ तुम पूरी मार्केट घूमे हो, तुम्हें इस किस्म का बछड़ा कोई दिखा वो भी इन पैसों में इतनी ब्यूटी में? तो फिर भाई उसने हमें बोल दिए, उसने हमें जो पैसे बोले ना उसने बस बोल दिए। वो कह रहा है कि मैं इससे कम में किसी को दूंगा नहीं, इन पैसों में भी किसी में दूंगा नहीं। बनी तो इसी में डन कर। बुलाओ आवाज मारो अब्बास भाई। हाँ अब्बास, बात क्या नाम है तुम्हारी यार? इधर देखो मैं आपको एक बताऊंगा, इससे ऊपर नहीं होगा जी, ठीक है अब्बास भाई, बस इतने में कर लो। चलो ओके बात हो गई, हो गई, चलो फाइनली। अब्बास भाई इतना दिल छोटा नहीं करते यार, नहीं लेकिन हमारे नसीब में ही था, चार हफ्तों से देखते जा रहे थे, हमारे नसीब में ही था, तभी तो हमें मिलना था। इंशाल्लाह आपको और भी जानवरों में बरकत। चलो अच्छा, चलो इंशाल्लाह खुश हो। तो गाइस हम लोगों ने ले लिया है इनसे माशाल्लाह से बछड़ा ले लिया, आपने देखा बहुत खूबसूरत था। मेहरबानी आपकी, थैंक यू बहुत बहुत, अल्लाह का शुक्र। अभी हम लोग चार हफ्तों से आ रहे हैं लेकिन फारी भी बहुत हो गई ना चार हफ्तों से रेगुलर। वही तो, और फिर मैं भी अरीब ये भी हो सकता है चार हफ्तों से आ रहे थे, अब तो बकराईद का सीजन भी करीब ही आ गया। अब तो देखो अभी करीब नहीं है, बहुत दूर है अभी, तो फिर भी लाइक अच्छा है, हमने अभी से ले लिया है, ठीक है, तो लाइक सही टाइम लिया। लेकिन मैं ये कहता हूँ अरीब, अपन ने मंडी में इस तरीके की ब्यूटी तो देखी नहीं है, और यहाँ पे भी घूमने से इतना खूबसूरत बछड़ा नहीं मिला। कशन ब्यूटी तो है लेकिन इस रेट पे आपको इस तरह से ब्यूटी नहीं मिलेगी, इस रेट के हिसाब से कर देगा। तो गाइस हम लोगों ने कर लिया था माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह सौदा हो चुका है हम लोगों का। और आप यकीन करो कि हम लोगों ने कैमरे के बैक पे भी काफ़ी बातें की, बात की अब्बास भाई से, और बहुत मुश्किल से उनको मनाया। ये तो कैमरे के अंदर सिर्फ थोड़ा सा क्लिप कैप्चर कर लिया उनसे कि भाई आप सिर्फ ये बता दो कि हाँ आपने हम लोगों को जानवर दे दिया। तो कैमरे के बैक पे तो बहुत बातें हुई, तो अल्हम्दुलिल्लाह 2023 कुर्बानी का हम लोग ने जानवर ले लिया। हाँ अब तो मैं ये कहता हूँ चलो अब तो हो गया ना बात, सही है, अब तो काशान ट्रीट देंगे। चुप, बिल्कुल चुप। ट्रीट तो पक्की है, ट्रीट भी हो जाएगी, लेकिन पहले जानवर घर पे आ जाए। नहीं नहीं घर पे नहीं, अभी हम हाईवे पे जाएंगे, रास्ते में जाएंगे। यहाँ बछड़ा का सौदा डन, यहाँ ट्रीट डन। हम मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा। आज नहीं तो फिर छोड़ दे, फिर ट्रीट नहीं लेंगे। सो गाइस हम लोग आ चुके हैं खाने के लिए, और क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी और हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो खाने के लिए बैठे हुए हैं। और आज अरीब भाई को ट्रीट भी देनी है,
क्योंकि जो है बछड़ा ले लिया माशाल्लाह से हम लोगों ने। और तो उम्मीद करते हैं कि आपको हम ये व्लॉग ज़रूर पसंद आएगा और माशाल्लाह से ज़रूर बछड़ा देखें तो ज़रूर 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 माशाल्लाह लाजमी आप सब ने लगाना है। और फिर इंशाल्लाह आपको अनलोडिंग भी दिखाएंगे बहुत जल्द। सो इसी तरीके से आप वीडियो को सपोर्ट करें, व्लॉग देखें, लाइक शेयर कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।